हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रैक्शन चैप्टर में हमने अपनी जो सलीना बुक है उसमें से चैप्टर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया हुआ है, आप सबको पता है, और उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइजेस भी कवर कर ली हुई हैं, जिसका लिंक आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना होता है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी दिया होता है, तो आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट को ओपन करना है। उसमें जितनी भी वीडियोस क्लास 7 सलीना कंसाइज बुक में से अपलोडेड है आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब सबसे पहले आप सबको पता है कि जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ब्रैकेट्स हैं और प्लस माइनस करना है, जब मल्टीप्लाई करें तो आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना होता है। अब बोर्ड मास में सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, अगर हमारे पास ब्रैकेट है। देन ओ का मीन्स यहाँ पे होता है ऑफ, जहाँ पे ऑफ लिखा हो तब हमने क्या करना होता है, पहले ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व ऑफ को करना है पहले। देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस में से हम कोई भी पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देख के। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 6 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि पहले तो हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में भी ध्यान देना होता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट है ये और राउंड ब्रैकेट है, तो पहले हम जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारी, राउंड ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, हम सॉल्व करते हैं अपने इस ब्रैकेट को। अब आप सबको पता है कि जब भी हमने दो फ्रैक्शंस को माइनस या प्लस करना है, हमें उनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होता है, एलसीएम, जो हम अपने लास्ट एक्सरसाइजेस में भी कर लिया है। 4 and 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पे। 12 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड, और जो आंसर आ जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई। और आप रफ में ऐसे भी सीख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, अपनी फ्रैक्शन को रफ में लिखा, ये अनदर मेथड है उसको सॉल्व करने का। एलसीएम से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 1 4 3 3 3 9, ऐसे ही सेम इसके साथ भी करेंगे, या सीधा भी कर सकते हैं, 12 को 3 से डिवाइड कर लो, 4 4 1 4। अब यहाँ पे 6 एज इट इज़ लिख देते हैं, 4 over 3 प्लस 9 में से 4 गए, 5 over 12, ब्रैकेट हमारी ओपन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अगेन हम 3 and 12 का एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाएगा आपके पास 12। देन अब 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 4 आ जाएगा, 4 into 4 यहाँ पे आ गया 16। जब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो 1 5 5, 6 plus 16 plus 5 आपके पास आ गया 21 over 12, और ब्रैकेट ओपन होगी। अब इनको हमने ऐड करना है, तो इसके नीचे लगा देते हैं 1, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास आ गए। अब 6 over 1 plus 21 over 12, 1 और 12 का एलसीएम क्या आ गया, 12। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, 12 12 6 जा 72। देन इनको ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 93 over 12। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और कटिंग हो सकती है, तो पहले आपने कटिंग भी करनी है, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के बाद ही आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, 3 3 जा 3 1 जा, एंड ये 3 4 जा, 31 over 4 हमारा आंसर है। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 7 जा 28, आपके पास रिमाइंडर आ गया 3। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 31 over 4 को 7 3 over 4 यहाँ पे आ गया आपका आंसर। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम हमारे पास वैसे ही है, यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी राउंड ब्रैकेट को, जो स्मॉल ब्रैकेट है सॉल्व। 5 and 2 का एलसीएम ले लेंगे, 10। 10 को 5 से डिवाइड किया, 2, 2 3 जा 6, 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 5 1 जा 5 आ गया हमारे पास। देन एज इट इज़ लिख देंगे माइनस, अब 6 में से 5 गए 1, और ब्रैकेट हमारी ओपन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 and 10 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज़ 10। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 5 3 जा 15, और 1 एज इट इज़, क्योंकि जब आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब सॉल्व कर देते हैं, 15 plus 1
16 ओवर 10 और यहाँ पे लगा लेंगे 1, क्योंकि हमें इनका एलसीएम लेना है। 1 एंड 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 10, 10 को 1 से डिवाइड किया 10 ही रह गया, 10 एट जा 80 और यहाँ पे 16 एज इट इज़। अब आपको सिंपली क्या करना है, 80 में से 16 को कर देना है आपको माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 64 ओवर 10। अब देखिए इसकी भी कटिंग हो सकती, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 थ्री जा 2 टू जा एंड 2 फाइव जा। अब 32 ओवर 5 की कटिंग नहीं होती तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 5 6 जा 30 होता है 2, हमारा रिमाइंडर बच गया और हमारा आंसर आ गया 62 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, 1 ओवर 4 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अभी तो हम सिर्फ अपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 4 एंड 3 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ 12, 12 को 4 से डिवाइड कर दो 3, 3 वन ज़ा 3 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करना है 4, 4 वन ज़ा 4। ओके देन अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 हो गया 7, 12 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट और नंबर के बीच में, फ्रैक्शन के बीच में कोई साइन नहीं था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 7 वन ज़ा 7 एंड 12 फोर ज़ा 48। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें 48 और 5 का क्या लेना है एलसीएम। देखिए जब आप 48 एंड 5 का एलसीएम लेंगे ना, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो हमें जब एलसीएम लेना होगा तो 48 पूरे का पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, चाहे आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, 2 टू ज़ा 4 ज़ा 5 एज इट इज़ ही रहेगा और ये सारा 2 के टेबल पे पहले जाता रहेगा, जैसे यहाँ पे गया फिर हमने 2 पे कर लिया 2 6 ज़ा देन उसके बाद 2 3 ज़ा देन 3 1 ज़ा और फिर जाके आया 5 पे, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, तो ऐसे ही आ रहा था 48 इंटू 5। सिंपली हमें यही करना था, तो 48 इंटू 5 क्या आ गया आपके पास 240 हमारा एलसीएम। अब क्या रूल होता है, एलसीएम डिनोमिनेटर से होता है डिवाइड, तो जब हम 240 को 48 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 5, तो 5 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 7 से, तो आंसर आ गया 35। देन 240 को 5 से करेंगे डिवाइड तो 48 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 240 आया है, 240 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 48, 48 इंटू 2 मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 96, माइनस प्लस माइनस होता है, आपको 96 में से 35 को कर देना है माइनस, तो आपके पास आ गया 61। अब देखिए यहाँ पे 91 बड़ा है तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगाते हैं, तो आपका आंसर आ गया -61 ओवर 240, क्योंकि आगे किसी टेबल में एक साथ नहीं जा रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आ गया, लोएस्ट टर्म में और रिड्यूस नहीं हो सकते, इनकी लोएस्ट टर्म ही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसको देख के आपने थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई हम कैसे करेंगे, बड़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस है, तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बना लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 ओवर 4, देन इसको भी बना लेते हैं 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 ओवर 8, देन कर्ली ब्रैकेट 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14 ओवर 3, ये हमारी राउंड ब्रैकेट रहेगी यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन में ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपको सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी, तो ये तो हम अभी एज इट इज ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया, देन अपनी कर्ली ब्रैकेट भी बना दो। अब यहाँ पे देखो 3 एंड 12 का एलसीएम क्या लोगे, 12, कर्ली ब्रैकेट एंड इसके ब्रैकेट हमने बना दी, 12 को 3 से डिवाइड करना है आंसर आएगा 4 और 4 को करना है 14 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 56, 12 सेम ही है तो ऊपर 11 आ गया, 11 ओवर 4, 25 ओवर 8 एज इट इज़, देन 56 में से 11 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 45, देन 45 ओवर 12 ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, ये सिर्फ अब हमारे पास रहेगी कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे हम लगा लेंगे 1। अब देन हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसको पहले एज इट इज़ लिखते हैं और सॉल्व करते हैं अपने कर्ली ब्रैकेट को, 1 और 12 का एलसीएम 12, 12 को 1 से डिवाइड किया 12 भी आ जाएगा, 12 5 ज़ा
प्लस माइनस माइनस 60 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। तो हमारी कर्ली ब्रैकेट भी हो गई ओपन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? डिवाइड का। तो आप सबको पता है फ्रैक्शंस को हम डिवाइड तो करते नहीं है सीधा, तो क्या करना होता है? फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ लिखनी होती है, मल्टीप्लाई का साइन डालना होता है, और इस साइड वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना होता है। 5 के टेबल में कटिंग हो सकती है, 5 5 जा एंड 5 3 जा, 3 1 जा एंड 3 4 जा, 4 1 जा एंड 4 2 जा। हमारी इतनी सारी कटिंग तो यहीं पे हो गई। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे सम को। 11/4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचा क्या? 5 1 जा 5 एंड नीचे 2 1 जा 2, और इसको ब्रैकेट में से ओपन कर देते हैं। अब आपको 2 एंड 4 का लेना है एलसीएम, दैट इज 4। 11 एज इट इज रहेगा, 4 को 2 से डिवाइड कर लोगे 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो 11 में से 10 माइनस कर दे तो आपके पास 1 बचता है। तो आंसर आ गया हमारा 1/4। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको बोर्ड मार्क्स के स्टेप्स फॉलो करते रहने और सारे सम सॉल्व होते रहेंगे आपके। और अगर आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं 5। अब यहाँ पे सबसे पहले वही करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। तो 12 2 जा 24, 25/2, देन 8 2 जा 16 + 1 17/2। देन अब यहाँ पे आपने समझना है, कर्ली ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट भी, और एक ये बार ब्रैकेट भी है। अब बार को कैसे सॉल्व करना होता है? तो बार जो होती है वो भी हमारे लिए एक ब्रैकेट ही है। जैसे सपोज आपके पास राउंड ब्रैकेट है ना, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसको वैसे ही सॉल्व करना है। तो आपने बार वाले माइनस को काउंट नहीं करना, आपने सपोज करना है जैसे ये 3 - 2 और यहाँ पे 5 भी है ना इस ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये बना है। तो आपने सपोज करना है ये एक पूरी ब्रैकेट है, जो बार ब्रैकेट है। तो 3 में से 2 गए 1, बाय मिस्टेक आपने ऐसे नहीं करना माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, नो। यहाँ पे ब्रैकेट है, सिर्फ इसी को सपोज करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट है, ये बार ब्रैकेट है, सिर्फ इनको ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को सॉल्व करना है। वो जो माइनस है वो ब्रैकेट के बाहर है, बार ब्रैकेट की। तो 3 में से 2 गए 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और कितने सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, वो बाहर वाले नंबर को साथ में ले लेते हैं, तो आंसर हो जाता है रोंग। अब यहाँ पे हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब देखिए क्या करेंगे। इसको हमने एज इट इज़ लिखा, अब 5 में से 1 सिंपली चले जाएंगे, माइनस तो बाहर है, तो हमारे पास आ गया 4। ये वाली ब्रैकेट भी हमारी ओपन हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप में 17/2 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएंगे, 5 आ गया आपके पास, नीचे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस बन जाएंगी। अब 1 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। तो 17 एज इट इज़, 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 5 जा 10। 25/2 माइनस 17 + 10 क्या होता है? 27/2। तो ब्रैकेट ओपन कर दी हमने। अब इसके बाद देखिए, 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम, 25 - 27 एज इट इज़ आएगा ना, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर और एलसीएम बिल्कुल सेम है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे आ गया 27 माइनस क्या है और 25 प्लस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से 25 गए 2, साइन आपको हमेशा बड़े नंबर का लगाना, 27 भी गए, 2 1 जा 2 1 जा, तो आंसर आ गया आपका -1। अब यहाँ पे सेम हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन से बना लेते हैं इम्प्रॉपर। 5 1 जा 5 + 1 6/5, देन 3 2 जा 6 + 1 7/3। अब सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ध्यान से करने हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, और वो 1 कौन सा आएगा? माइनस का। अब दो साइन हम इकट्ठे नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं। देन अगेन, अब 2 3 जा 6, 6 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/2। और यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, क्योंकि राउंड ब्रैकेट के साथ राउंड ब्रैकेट आप नहीं बनाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए -1 - 1, इस साइन से क्या होना, क्योंकि ये ब्रैकेट थी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कोई भी साइन होता है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस क्या हो जाना है? माइनस। तो आप इसको एक ही बार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला साइन हटा के
सीधा माइनस, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट ना लगाओ, सीधा हम लिख लेते हैं 5 माइनस 1, क्योंकि ऐसे आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि एक ब्रैकेट और कहाँ से आ गई, बस आपको समझाने के लिए वहाँ पे बनाई थी। सीधा आप कर सकते हो 3 में से 2 गए माइनस वन, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस। और यहाँ पे ये एज इट इज़ 5 में से 1 गए 4, नीचे कुछ नहीं है तो हमने लगा दिया यहाँ पे 1। देन अब आपको कर लेना है इनको सॉल्व, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, 7 एज इट इज़, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 4 12। देन 12 में से 7 गए 5, और माइनस का 5 होगा क्योंकि साइन आता है ऑलवेज ग्रेटर डिजिट का। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होना चाहिए देन माइनस होना है, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिख के माइनस 5 नीचे लिख देते हैं और 3 को ऊपर। देन अब यहाँ पे इसको पहले एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ पे कोई कटिंग तो हो नहीं रही इनके ऊपर वाले नंबर्स के साथ, तो इनको सिंपली क्या कर लेते हैं हम सॉल्व। तो कैसे कर लेंगे, 3 6 18, 5 5 25। देन अब देखिए, आपने जब भी सम सॉल्व करना है डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं लगाना, तो ये साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब आपको 25 एंड 2 का एलसीएम लेना है, दैट इज़ 50। 50 को डिवाइड करना है 25 से, 2 आ गया, 18 2 36, माइनस एज इट इज़ रहेगा। 50 को 2 से किया 25, 25 7 सा क्या होता है हमारे पास 175, माइनस माइनस प्लस, इनको ऐड कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया 211, और साइन आएगा बड़े डिजिट का और नीचे आ गया 50। अब ये किसी टेबल में एक साथ नहीं जाते, तो यही हमारा आंसर है। बस हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारे पास आ गया -4 11/50। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन और डिवाइड हो रही है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 3 1 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 4। एंड यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 4 का एलसीएम 36, 36 को 4 से किया 9 9 3 27, 36 को 9 से करेंगे 4 4 2 8, यहाँ पे आ गया 7/6। प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो माइनस करना है। अब 27 में से जब आप 8 माइनस करोगे आपके पास बचेंगे 19। देन अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल कर देते हैं, 6 1 6 6 7 6 क्या होता है 42/19, हमारा आंसर आ गया। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देते हैं 2 4/19, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 + 1, यहाँ पे हो गया हमारा 10/3, 2 2 4 + 1 5/2, और यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है, 21 × 2 आपके पास आ गया यहाँ पे 42 + 5 47/21, -2/1। अब देखिए ये तो अभी एज इट इज़ ही लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले तो आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। 3 and 2 का एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और यहाँ पे आ गया 20, मल्टीप्लाई होके डिवाइड करके आ गया 3 3 5 15। देन इनका एलसीएम लेंगे 21, ये एज इट इज़, 21 को 1 से डिवाइड करके 21 ही आएगा, 21 2 42, 6/5। देन यहाँ पे आ गया 20 में से 5 गए, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 5/6, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी ये करने से। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 47 में से 42 गए 5/21। अब आपने ध्यान से देखना है, पहले ऑफ सॉल्व होगा कि डिवाइड, तो पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को, बोर्ड मार्क्स में ऑफ पहले आता है, ऑफ मीन्स यहाँ होनी है मल्टीप्लिकेशन, देन बाद में हम करेंगे डिवाइड, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 5 1 5 1 6 1 6 1, तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, हमारे पास 1 डिवाइड हो रहा है 5/21 से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन, नीचे भी 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल, तो आंसर आ गया 21/5। और जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 4 20 और 1 जो हमारा रिमाइंडर है, तो आंसर आ गया 4 1/5।
बस आपने ध्यान रखना है, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो आपको बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, 8 टेंजा क्या हो जाएगा, 80, 80 प्लस 1, 81 ओवर 8। अभी ऑफ लिख देते हैं ऐसे ही, पहले आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप को, तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी ऑफ है क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही किया है कि मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब ऑफ की प्लेस पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी जो हमारे पास ऑफ है वहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफ था, इट मीन्स पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करना है बाद में डिवाइड होना है। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लिखा है। 4 1s, 4 2s कटिंग नहीं होती, तो ऊपर आ गया 81 ओवर 10। देन यहाँ पे देखिए कटिंग हो सकती है तो हम कर देंगे जितनी होती है। 7 के टेबल में हो रही है 7 5s and 7 7s, 4 के टेबल में हो सकती है 4 5s और यहाँ पे 4 9s, और कटिंग नहीं होती 5 5s 25 and 9 7s 63। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। अब आप देखिए 63 25 या 10 से तो डिवाइड नहीं होता और 81 भी नीचे वाले नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स हमें सिंपली क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 5103 और नीचे 25 × 10 250, ये आ गया हमारा आंसर। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो हम इनको डिवाइड कर देंगे और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 20, ऊपर आ गया 103 एंड नीचे 250, 20 ओवर 103 ओवर 250 हमारा आंसर आ गया। अब अपनी एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। सबसे पहले 4 5s 20, 20 प्लस 3 आपके पास आ गया 23 ओवर 4, देन 3 ओवर 7 × 15 = 60, 60 प्लस 3 क्या हो गया हमारे पास 63 ओवर 4, 2 × 35 = 70, 70 प्लस 2 72 ओवर 35, 25 प्लस हमारे पास आ गया 11 करके 36। देन अब हमें क्या करना है सॉल्व, यहाँ देखिए यहाँ माइनस दोनों हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको भी एज इट इज ही रखते हैं, सबसे पहले हमें करना है डिवाइड। तो ये दोनों हो जाएंगे डिवाइड। डिवाइड कैसे करना है, इस नंबर को एज इट इज लिख के इसको कर देना है रेसिप्रोकल। देखो 5 के टेबल में कटिंग हो सकती है 5 5s 5 7s, देन ये भी 2 के टेबल में भी जा सकते हैं 2 1s and 2 18s, 2 3s and 2 6s, देन 18 के टेबल में सीधा ही जाता है 18 1s 18 2s। अब नेक्स्ट हम इसको भी एज इट इज ही लिखते हैं स्टेप में। देन यहाँ पे क्या आ गया सॉल्व करके, ऊपर क्या बचा हमारा 2 and 5, तो 5 2s 10, 7 1s 7। अब यहाँ देखिए, अब हमने देखना है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है डिवाइड के बाद बोर्ड मास में आएगा मल्टीप्लाई, तो 7 1s and 7 9s, अब आगे कटिंग नहीं होती, तो 23 ओवर 4 − 3 9s 27 ओवर 4 प्लस 10 ओवर 7। अब हमने हमें क्या करना है, माइनस एंड प्लस में से हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ हम सबका एक साथ एलसीएम ले सकते हैं, तो हम 4 4 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 28। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 7, तो 7 को हमें कर देना है 23 से मल्टीप्लाई। देन इसको इससे डिवाइड करेंगे अगेन 7, फिर से हमें क्या कर देना है 27, जहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करना था अब करना है 27 से, यहाँ पे किया 4 4 10 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस, पहले माइनस हो रहा है तो हमें 189 में से 161 को कर देना है, माइनस 28 बचे, साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि साइन आता है हमेशा बड़े नंबर का। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस अगेन, 40 में से 28 को माइनस करना है आपको, तो आपके पास बचेगा 12 और साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन आता है हमेशा बड़े डिजिट का। अब ये दोनों टेबल नंबर्स 4 के टेबल में जा रहे हैं 4 3s and 4 7s, तो आपका आंसर आ गया 3 ओवर 7।
अब एक्सरसाइज 3D चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन की क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को ही इम्प्रॉपर बनाएंगे। 7 7 49 + 3 52 over 7, 5 5 25 + 3 28 over 5, 15 3 45 + 4 49 over 15। अब आपको पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसको हम अभी एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 4 के टेबल में कटिंग हो सकती है, 4 1 4 4 1 4 4 3 12, एंड 13 3 39 over 7। देन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पे 5 1 and 5 3 7 के टेबल में कटिंग हो सकती है, 7 4 and 7 7 39 over 7 एज इट इज़, 4 3 12 1 7 7। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपली इनको सॉल्व कर देना है। दोनों के नीचे 7 है तो आपका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 7। ऊपर आ गया 39 over 12, क्योंकि आपको पता है जब हमारा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होते हैं ऊपर वाले नंबर एज इट इज ही आते हैं। 9 में से 2 गए 7 और 3 में से 1 गए, यहाँ पे आ गया 2। और अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे तो 3 6 over 7 आपके पास आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 3D भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन करना और बोर्ड मार्क्स कैसे अप्लाई करना है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।